जो लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं उनके लिए एक पिता की ओर से समर्पित। एक लड़की को उसके पिता ने आईफोन गिफ्ट किया। आईफोन गिफ्ट करने के अगले दिन पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, आईफोन मिलने के बाद तुमने सबसे पहला काम क्या किया? तो बेटी ने कहा कि पापा, आईफोन मिलने के बाद सबसे पहले मैंने कवर और स्क्रैच कार्ड का ऑर्डर किया। तो पिता ने कहा कि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी ने कहा? तो बेटी ने कहा, नहीं पापा, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। तो पिता ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि कवर और स्क्रैच कार्ड का ऑर्डर करके तुमने आईफोन के निर्माता की बेइज्जती की हो? तो बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्क्रैच कार्ड और कवर लगाने की सलाह खुद आईफोन के निर्माता ने दी है। तो पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ज़रूर आईफोन दिखने में खराब दिखता होगा। तभी बेटी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आईफोन खराब ना हो इसलिए कवर और स्क्रैच कार्ड का ऑर्डर दिया है। तो पिता ने कहा कि अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या कवर और स्क्रैच कार्ड लगाने के बाद आईफोन की सुंदरता में कोई कमी आएगी? तो बेटी ने कहा, नहीं पापा, इसके विपरीत, आईफोन दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तभी उसके पापा ने उसके ऊपर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा कि बेटा, आईफोन से भी ज़्यादा खूबसूरत और कीमती तुम्हारा शरीर है, इस घर की और हमारी इज्जत हो तुम। अपने शरीर के अंगों को कपड़ों से कवर करने के बाद तुम्हारी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर जाएगी। ऐसा सुनकर बेटी का सिर झुक गया। उसके पास अपने पिता की इस बातों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता को बनाए रखें। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर इस पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करेंगे, गालियाँ देंगे, कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि प्लीज़ आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की आंखें खुल जाएं। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगी, न जाने इंसान अपनी चीज़ों से इतना क्यों उब जाता है, न जाने इंसान अपनी चीज़ों से इतना क्यों उब जाता है। पश्चिम की ओर मत भाग मेरे दोस्त, क्योंकि पश्चिम में जाके तो सूरज भी डूब जाता है। राम राम।